सो आज हम ये सुंदर सा सनसेट आई शेडो लुक सीखने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी है एंड आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेन आई शेडो स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। पहले आपको अपनी आईलिड्स को कंसीलर या फाउंडेशन से कवर करना पड़ेगा, तभी तो आई शेडो के कलर्स उभर के आएंगे। मैंने यहाँ पे क्राइलॉन का D4 लिया है, आप कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन ले सकते हैं। देन उसे ब्लेंड करके उस पर पाउडर लगा लें। मैंने पहले एक ऑरेंज आई शेडो लिया है एंड उसको सेंटर ऑफ द लिड्स पे लगाना है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश। पहले ही लाइट कलर लेंगे तो अच्छा होगा, कॉज लाइट से डार्क हो सकता है बट डार्क से लाइट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद मैंने आउटर वी पे एक हॉट पिंक सा कलर ले लिया है। आप अपने आई शेडो के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं बट टेक्निक यही यूज़ करना। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे आई शेडो का लास्ट कलर है विच इज़ अ क्रीमिश स्किन टाइप ऑफ कलर, जो मुझे अपने इनर वी पे लगाना है। आई नो ये सबके पास नहीं होगा बट आप इसकी बजाय येलो कलर भी ले सकते हैं। देन इन तीनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है विद द ब्लेंडिंग ब्रश। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पिंकिश टोन का कलर भी ले सकते हैं उसको और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। फिर आती है फिर से कलर्स डार्क करने की बारी है, तो मैंने ऑरेंज एंड पिंक को थोड़ा सा और डार्क कर दिया है। आप चाहे तो लाइट भी रख सकते हैं एंड आखिर में ब्लेंडिंग ब्रश यूज करना मत भूलना। मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का गोल्डन लिक्विड ग्लिटर लिया है। आप चाहे तो लिक्विड ग्लिटर यूज ना भी करें तो भी चलेगा बट ग्लिटर जरूर लगाएं, वो तो इस आई शेडो की शान है। बट अगर आपको मैट आईज चाहिए तो डू अवॉइड ग्लिटर्स। उसके बाद मैं टिश्यू से फॉलआउट्स को हटा दूंगी एंड आउटर वी को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। आप चाहे तो कंसीलर का भी यूज कर सकते हैं। इट्स लाइनर टाइम। सो लाइनर यूजुअली आई शेडो के शेप के हिसाब से होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा विंग लाइनर रखा है कॉज मेरा आई शेडो भी उसी शेप का है। अगर आपने थोड़ा सा राउंड आई शेडो बनाया होगा तो विंग लाइनर उस पर अच्छा नहीं लगेगा, सो आप बॉक्स लाइनर भी ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ मैंने लाइनर लगाना कंप्लीट कर लिया है एंड मेरी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही है। सो अब फेस रिवील करने का टाइम है। सो फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर लिया है, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट सिलिकॉन वन इज़ दी बेस्ट। यहाँ मैंने इनसाइट का अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन यूज़ किया एंड मैं ये पहली बार कर रही हूँ, सो 2-in-1 वीडियो हो जाएगा, यहाँ मैं आपको रिव्यू भी बता दूंगी। सो यहाँ मैंने डॉटिंग मेथड से अपना फाउंडेशन हाफ फेस पे लगा दिया है एंड ब्रश से ब्लेंड करके देखते हैं क्या होता है, कॉज मेरी स्किन इतनी भी ज़्यादा पिंपल वाली नहीं है या एक्ने स्कार्स नहीं है उस पर जो मैं स्पॉन्ज का यूज़ करूँ, सो ब्रश का यूज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल है, आप दोनों साइड का डिफरेंस देख सकते हैं। सो दूसरे साइड ऑफ द फेस को भी फाउंडेशन से ढक दिया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है प्लस इजीली ब्लेंडेबल है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है जितना नॉर्मल क्रीम्स फाउंडेशन को लगता है। प्लस आपको दिखाने के लिए मैंने अपने पिंपल को भी कंसील नहीं किया है कॉज मुझे उसका कवरेज देखना।